प्राचीन काल में शुभ संस्कार संपन्ना एक दरिद्र ब्राह्मणी किसी ग्राम में निवास करती थी। संत एवं अतिथि सेवा में उसका मन स्वाभाविक रूप में प्रमोद प्राप्त करता था। उसके दो पुत्र थे जिनका परिपालन वह अत्यंत प्रीतिपूर्वक करती थी। पूर्वकृत पुण्यों जैसे एक दिन भक्त शिरोमणि शांडिल्य घूमते घामते उस ग्राम में आ पहुंचे। कोमलचित कृपालु मुनि ने अपने उपदेश क्रम में भगवान शिव के औढ़रदानी स्वभाव और उनकी गुणावली का विस्तृत वर्णन किया। ब्राह्मणी की चित्तभूमि तो पहले से ही भाव भरित थी। ऋषि के वचनों ने उसे भक्ति विह्वल बना दिया। अपने पुत्र द्वय को महर्षि के चरणों में समर्पित करते हुए उसने निवेदन किया, हे मुनीश्वर, मेरे ये दोनों पुत्र पितृहीन हैं। इनमें से एक शुचिव्रत मेरा औरस पुत्र है और दूसरा राजसुत मेरा पालित पुत्र है, इसका नाम धर्मगुप्त है। अपनी कृपा दृष्टि से इनका कल्याण कीजिए। ब्राह्मणी शील सद्भाव से प्रसन्न ऋषिवर ने उन लोगों की वर्ष पर्यंत शिवार्चन का परामर्श देकर व्रत विषयक संपूर्ण नियमों को समझा दिया और शिव शिव जपते हुए अपने गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही क्षणों का यह संयोग स्वाति नक्षत्र की बूंदों की तरह पुण्य फलप्रद हुआ। क्षणमपि सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तारिणी नौका। गुरुवर की भावमूर्ति और उनके श्री चरणों का अहर्निश ध्यान करते हुए वे तीनों एक मंदिर में जाकर शिवार्चन का सात्विक आनंद प्राप्त करने लगे। गुरु के उपदेश से उनके ज्ञान चक्षु खुल गए थे। पूजा अनुष्ठान करते हुए उनके 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत अकेले ही गंगा तट पर स्नान करने गया और नदी की चंचल लहरों में जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय नदी की धाराओं में बहता हुआ एक स्वर्ण कलश उसे दिखाई पड़ा। तैरकर शुचिव्रत ने उस कलश को उठा लिया और आनंद मग्न होता हुआ अपनी माँ के पास आया। भाव विफल स्वर में उसने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, आज मैं क्या लाया हूं, अब हम लोगों के कष्ट मिट जाएंगे। देवाधिदेव शंकर जी की करुणा अपार है। उस रत्न भरे कलश को देखकर ब्राह्मणी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसने शुचिव्रत से कहा, देखो पुत्र, इस दिव्य धन राशि को तुम दोनों आपस में बांट लो। शुचिव्रत ने सहर्ष माता के आदेश को मान लिया, किंतु राजसुत ने माता से आग्रह किया, ही दयामयी माँ, भाई शुचिव्रत को यह धन उसके पुण्य परिपाक वर्ष प्राप्त हुआ है, इसलिए इस धन पर उसका ही अधिकार है। मैं अपनी निर्धनता में ही संतुष्ट हूँ। शिव चरणानुराग से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। माता ने भी जैसी तुम्हारी इच्छा कहकर उसके निश्चय में कोई बाधा नहीं डाली। कालांतर में वसंत ऋतु का समागम होने पर दोनों भाई एक दिन वनश्री का अवलोकन करते हुए बहुत दूर तक निकल गए। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गंधर्व कन्याएं इस निर्जन वन में क्रीड़ा कर रही हैं, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। शुचिव्रत ने कहा, यहाँ गंधर्व कन्याएं क्रीड़ारत हैं, अतः हम तपस्वियों को यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। किंतु देवी प्रेरणावश राजपुत्र ने उसके परामर्श को नकार दिया। वह अकेले ही मुस्कुराते हुए उनके समूह में चला गया। उस सुदर्शन राजसुत को देखकर गंधर्व कन्याओं को परम विस्मय हुआ। उनकी राजकुमारी तो उसके रूपाकर्षण से अभिभूत हो गई।
उसने अपनी सहेलियों को आगे बढ़कर वन से शिव पूजनार्थ दिव्य फूल तोड़ लाने को कहा। उनके चले जाने के बाद उसने राजकुमार की अभ्यर्थना कर उसे आसन प्रदान कर उससे परिचय विषयक प्रश्न किए। राजकुमार ने गंधर्व कन्या को अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता दिवंगत हो चुके हैं। अवसर पाकर शत्रुओं ने मुझे राजच्युत कर दिया है। मैं जंगल में अपनी धर्म माता के साथ जीवन यापन कर रहा हूँ। संपूर्ण वृतांत जानकर गंधर्व राजकन्या प्रसन्न हो उठी और उसने उससे विवाह विषयक अपनी मनोभिलाषा प्रकट करते हुए कहा, हे राजपुत्र, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मेरे चित्त में आपकी छवि बस गई है, अतः मैं आपकी चिर संगिनी बनना चाहती हूँ। राजकुमार उसका प्रेम प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न तो हुआ, किंतु उसने गंधर्व कन्या से कहा, देवी, आपका प्रस्ताव मनोरम तो है, किंतु कहां तो आप एक गंधर्व कन्या और कहां मैं एक निर्वासित राजकुमार, तथा दूसरा वैवाहिक संबंध माता पिता की सहमति से ही संपन्न होना चाहिए। उसका विवेक संगत उत्तर सुनकर कन्या ने उसकी धर्म बुद्धि की सराहना की तथा कहा कि वह गंधर्व राज की अनुमति लेकर ही ऐसा करेगी। वे उसके चयन को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। उसने अपने गले का हार राजकुमार को पहनाते हुए कहा, हे पुरुष प्रवर, कल आप इसी समय यहाँ उपस्थित हों, मैं पिताजी के साथ चली आऊंगी। दूसरे दिन शुचिव्रत उसकी माँ तथा राजकुमार के वहाँ पहुँचने पर गंधर्व राज ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कराते हुए राजकुमार से कहा, हे पुत्र, चिंता मत करो, भगवान शंकर ने मुझे तुम्हारी सहायता करने का आदेश देते हुए तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूँगा। हर्ष गदगद राजकुमार और उसकी ब्राह्मणी माता ने गंधर्व राज का आभार माना और शिव कृपा से राजकुमार ने अपना नष्ट वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। उसने शुचिव्रत को अपना मंत्री बना लिया तथा अपनी पालिका माता को राजमाता के पद पर प्रतिष्ठित किया। उन लोगों के दिन सानंद बीतने लगे। प्रदोष व्रत प्राणी मात्र के लिए अभीष्ट प्रद एवं भुक्ति मुक्ति विधायक है। शास्त्रों में इस व्रत की बड़ी महिमा गाई गई है तथा लोक मानस में इसके प्रति दृढ़ आस्था बद्धमूल है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग प्रदोष काल में अनन्य भक्ति पूर्वक भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं, उन्हें धनधान्य, पुत्र कलत्र, सुख सौभाग्य की प्राप्ति और नित्य वृद्धि होती है। ये वही प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्य मनसोंघ्रि सरोज पूजाम नित्यं प्रवृद्ध धनधान्य कलत्र पुत्र सौभाग्य संपद अधिकास्त इहैव लोके। ओम नमः शिवाय।